बॉलीवुड इंडस्ट्री में मलाइका अरोड़ा का नाम टॉपेस्ट फिटनेस दिवा के तौर पर लिया जाता है। फिटनेस क्वीन है मलाइका, ये कहा जाता है। मलाइका की फिटनेस के बारे में आज न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश की हर फिल्म इंडस्ट्री में होती है बात। ग्लैमर की दुनिया में मलाइका के फिटनेस की बहुत ही ज्यादा होती है चर्चा, और इसके पीछे कारण ये है कि वाकई में वो आज जिस मुकाम पर है वो अपनी फिटनेस की वजह से है। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने खुद को किस तरह से मेंटेन किया है इसकी हर कोई तारीफ करता है। इंस्पिरेशन लेनी है फिटनेस को लेकर तो कोई मलाइका अरोड़ा से ले, ये हर कोई कहता है। लेकिन क्यों, क्या ऐसी चीज है, क्या बात है जिसने मलाइका को फिटनेस के प्रति अपना रुझान बरकरार रखने के लिए, अपनी मोहब्बत फिटनेस को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाया, ताकत दी और हिम्मत दिया। मलाइका इतना ज्यादा फिट कैसे हुई, वो भी एक ऐसा ऑपरेशन कराने के बाद जिसके बाद खासकर महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है और अपनी जिंदगी उनकी बदल से जाती है, मानो दूसरा जन्म हुआ हो, मानो आपका शरीर ही आपका खुद का ना हो। दरअसल हम इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने भी सी सेक्शन डिलीवरी का दर्द झेला और इसकी वजह से मलाइका की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई। सिजेरियन डिलीवरी की वजह से उनके बेली में, पेट के बेली पर जिस तरह के निशान पड़े, इसके कारण मलाइका अरोड़ा को आज भी अपने ड्रेस उस तरह से कैरी करने पड़ते हैं जिसमें वो अपने ऑपरेशन के दाग को छुपा सके, पहचान को, निशान को छुपा सके। सी सेक्शन के जरिए मलाइका ने अपने बेटे अरहान को जन्म दिया था। सबको पता है कि अरहान का जन्म जिस तरह से हुआ सी सेक्शन के माध्यम से, वो वाकई में बहुत टफ था। आपको ये शायद मालूम ना हो, लेकिन सी सेक्शन के जरिए मलाइका के बेटे का जब जन्म हुआ था उस वक्त मलाइका काफ़ी कम उम्र की थी और इसलिए उनके लिए आसान था खुद को मैनेज करना, बॉडी को बैलेंस करना। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट गेन करने के बाद सी सेक्शन की डिलीवरी का पीड़ा कितना दर्दनाक होता है, कितने लंबे समय के लिए रहता है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा को सी सेक्शन का दर्द सहना पड़ा, लेकिन फिर भी आज वो फिट है क्योंकि उन्होंने खुद पर काम किया, काफ़ी मेहनत की। और उनकी फिटनेस सीक्रेट के बारे में जानने के लिए आप सभी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो सी सेक्शन का दर्द मलाइका ने झेला है उस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सीजेरियन प्रसव कहा जाता है इसे, जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे सिजेरियन प्रसव के बारे में। सी सेक्शन आपके पेट और गर्भाशय में चीरा लगाने के माध्यम से आपके बच्चे के प्रसव के लिए सर्जरी है। जी हाँ, सिजेरियन प्रसव के लिए पेट में और गर्भाशय में एक चीरा लगाया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सर्जिकल प्रोसीज्योर है जो कि खासतौर पर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से किया जाता है, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी जब माँ उसके लिए तैयार नहीं होती है, माँ के शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है। मदर्स के एब्डोमेन में इस तरह का प्रोसेस होता है बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए। बता दें आप सबको कि इसका दर्द लंबे समय तक रह जाता है। जी हाँ, सी सेक्शन का दर्द बहुत ही लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक महिलाओं को बहुत ज़्यादा दौड़ना या बॉडी पे प्रेशर, पेट पर प्रेशर डालना वर्जित किया जाता है, मना किया जाता है। गर्भाशय पर कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है डिलीवरी के लिए, जिस माध्यम के ज़रिए, उस माध्यम को सी सेक्शन कहा जाता है। और फिर टांका लगाकर इस पेट के कट को बंद किया जाता है। बाद में समय के साथ शरीर में वो टांका घुल जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत चीज़ों का परहेज करना पड़ता है माओं को। जी हाँ, जैसे कि मसालेदार भोजन। सिजेरियन के बाद महिलाओं को आमतौर पर फीका खाना खाने की सलाह दी जाती है।
वहीं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कार्बोनेटेड पेय को आहार योजना में शामिल नहीं करना साफ कहा जाता है। ये सब कुर्बानियां हैं जो माएँ अक्सर सी सेक्शन के बाद देती हैं, अपने बच्चे के लिए ही नहीं खुद के लिए भी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंडेटरी हो जाता है ये सब करना। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं तो ख़ास तौर पर मसालों को कारण बच्चे के स्तन को दूध को स्वाद नापसंद हो सकता है ये लोग कहते हैं, इसलिए मसालेदार भोजन शामिल करने से पहले की प्रतीक्षा की जाती है ताकि घाव पूरी तरह से ठीक हो जाए। और आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट में जैसे कि मीठा खाने के लिए परहेज किया जाता है। सी सेक्शन से महिलाओं को काफ़ी समय तक पीड़ा होता है पेट में जब तक जख्म सूख नहीं जाता और इसलिए कार्बोनेटेड पेय में चीनी, कृत्रिम स्वाद और परिरक्षकों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उन सभी चीज़ों को खराब विकल्प माना जाता है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। वहीं कटहल, जी हाँ, ये एक ऐसी सब्जी है जिसे साफ तौर पर मना किया जाता है और नवजात शिशु में पेट का दर्द का खतरा बढ़ा सकता है कटहल, तो इससे भी दूर रहने की सभी को ज़रूरत है। और आपको बता दें कि कई ऐसे खाने का सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ जो कि शरीर में सूजन का कारण बन जाता है जैसे कि फूल गोभी, आलू जैसे गैसीय खाद्य पदार्थ, छोला, ये सभी सूजन का कारण बनता है। पौष्टिक और गर्भवती महिलाओं के आहार चार्ट का हिस्सा हो सकते हैं और सेवन के बाद गैस और सूजन का अनुभव इसलिए भी होता है क्योंकि लोग खास तौर पर उस वक्त समझ नहीं पाते। इतना ही नहीं, आपको बता दें हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर जिस तरह की स्थिति सामने आई थी कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता। देखा जाए तो आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि सिजेरियन सेक्शन से जो महिलाएं गुजरती हैं उन्हें बहुत समय तक अपने शरीर में प्रेशर नहीं देना होता है और वो आम महिलाओं की तरह अपना खान पान नहीं रख सकती। लगभग 6 महीने तक उन्हें रेस्ट करना पड़ता है वरना सिजेरियन का दर्द ही नहीं, सिजेरियन के बाद पेट पर लगे टाके पर इसका असर इतना बुरा हो सकता है कि टाका टूटने का डर भी बना रहता है, यहाँ तक कि छींकना और खांसना भी बहुत पीड़ादायी होता है सी सेक्शन से बेटे या बेटी के जन्म के बाद। सामान्य बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है सी सेक्शन के बाद। अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो वो काफ़ी कम हो जाता है सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद, जैसे कि सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसे सामान्य बीमारियों का खतरा खासकर सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है। सर्दी या खांसी होने की संभावना भोजन करने समय, ठंडा भोजन करने समय खास तौर पर ज़्यादा होती है। ये भी कहा जाता है कि ठंडा दही, आइसक्रीम और आइस क्यूब जैसी चीज़ों से सख्त सेक्शन के बाद बचने की जरूरत है। यहाँ पर हम आपको आप ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह आप चाहते ही हैं कि गैस की समस्या भी बढ़ जाती है, इसलिए आपका फेवरेट अगर अंडा हो या दूध हो खाने पीने में तो उसे भी आपको दूर रखना पड़ सकता है। इससे बहुत ही असुविधा होता है सी सेक्शन के बाद महिलाओं के शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। साबुत अनाज की ज़रूरत होती है, विटामिन और खनिज की ज़रूरत होती है, आयरन भी शरीर में कम हो जाता है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जिसके कारण इसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माओं को, औरतों को झेलनी पड़ती हैं सी सेक्शन से बच्चे के जन्म के बाद। निष्कर्ष यही है कि जटिल और मांग भरी हो सकती है अवधि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। माओं की भोजन पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, संतुलित आहार सर्जरी से उबरने में मदद करता है, इन सभी चीज़ों का खासकर ख्याल रखने की ज़रूरत है।